which is the after sale service. ये return policy है जो spinny वाले देते हैं. Maybe I'll sell it क्योंकि मेरे को obviously. Maybe I'll sell it. Guys, एक बात मैं video start करने से पहले बता दूँ, ये जो मैं पूरा video बना रहा हूँ ये कोई spinny के collaboration के साथ नहीं है, कोई promoted video नहीं है, कोई promotion video नहीं है. Spinny ने मुझे इस video बनाने के लिए कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं किया. ये मेरी जो पूरे इस video में opinion है वो मेरी opinion है. मैंने अपने 170,000 180,000 इस गाड़ी में लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था स्पिनी के साथ, अच्छा था, खराब था, क्या चीज थी, उन सारी चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे. क्योंकि जब मैंने गाड़ी खरीदी थी ना, उसका वीडियो डाला था, तो लोगों ने बोला था ये तो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, ये है वो है. तो इस वीडियो में मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने पैसे लगाए हैं, उसके हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ. और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके एक फायदे की बात, अगर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे पैसे बचाने का शौक है, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, जहां पे मैं दिन भर अपने लूट ऑफर्स डालता रहता हूँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहां भी आते रहते हैं, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना. स्टार्ट करते हैं वाला वीडियो और देखते हैं कि क्या आपको स्पिनी से गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं. और एक बात और, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, अगर आपको कोई भी डाउट रहा इस वीडियो से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे आप सारी चीजें पूछ सकते हो, पर्सनली मैं सबको रिप्लाई करूंगा. ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको स्पिनी से गाड़ियां खरीदनी चाहिए. स्पिनी क्या है? स्पिनी एक सेकेंड हैंड कार का मार्केट है, जहां पे आप सेल कर सकते हो कार्स, वहां से कार्स खरीद सकते हो. मैंने पर्सनली एक बहुत रेयर कार खरीदी वहां से, जो कि है टाटा नैनो ऑटोमेटिक. मेरा क्या एक्सपीरियंस था और आफ्टर 6 मंथ्स मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या आपको लेनी चाहिए गाड़ी, इस वीडियो में बात करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं, 10 से 12 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेरी नैनो खड़ी हुई है. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहे. तो ये हमारी सामने टाटा नैनो, आप देख सकते हो एकदम. मैंने जब से इसको खरीदा है सिर्फ 2 बार किसी वॉशिंग सेंटर में धुलवाया है, बाकी मैं खुद से ही गाड़ी मेंटेन करता हूँ, साफ करता हूँ. एंड दिस इज दी पावर्ड की जो इसके साथ मिलती है. दिस इज ऑब्वियसली लॉक अनलॉक हो जाती है इससे. और अगर देखो, गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी मिली थी मुझे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया एकदम कार मिली थी. देखो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक की बैजिंग, यहाँ पे XTA ट्विस्ट लिखा हुआ है, बिकॉज दिस कम्स विद पावर स्टेयरिंग एंड एवरीथिंग. चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं, वन बाय वन विल गो विद द पॉइंट्स और फिर देखेंगे. भाई वीडियो के लास्ट में आपको समझ में खुद आ जाएगा कि आपको ये कार खरीदनी है या नहीं. सो थोड़ी बहुत कार के बारे में बात करें, तो जब मैंने कार खरीदी थी तो ये मुझे मिली थी 40,000 में, और मैं इसको अभी ऑलमोस्ट 3,500-4,000 किलोमीटर चला चुका हूँ. मैं AC बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्या काम निकला है इस गाड़ी को खरीदने के बाद, वो भी इस बारे में बात करेंगे अपन. सारी चीज़ें यहाँ पे आपको 2 ग्लव्स वगैरह मिल जाते हैं. पीछे की साइड देखेंगे, अच्छा खासा नैनो में स्पेस मिलता है. बहुत ज़्यादा हमने अंडर एस्टिमेट किया इस कार को, बट दिस कार इज़ रियली गुड. ये क्वेश्चन कुछ स्पिनी वाले देते हैं. ये मेरी गाड़ी में पंचर किट रखा हुआ है, जो कभी भी ट्यूबलेस टायर्स के साथ आती है, तो पंचर किट अपन कभी भी हो गाड़ी तो अपन इसको बना सकते हैं, खुद ही पंचर बना ले. और अगर आपको एवरेज यहाँ पे दिखाऊँ मेरे को कितना मिल रहा है इसमें, सो अगर सिटी के दिखाऊँ 22 का एवरेज आ रहा है मुझे. मतलब मैंने चला लिया 4,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला लिया है 6 महीने में. वही मेरी हार्ली डेविडसन को मैंने 4 महीने में 11,000 किलोमीटर चला लिया, जो कि वहाँ खड़ी हुई है. गाड़ी को चलाते चलाते अपन बात करेंगे, ताकि मेरे हाथ भी फ्री रहे. सीट बेल्ट लगा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलवेज सीट बेल्ट एंड हेलमेट. तो भाई बात करते हैं, मैंने स्पिनी ही क्यों चूज़ किया. जब मैं कार लेने गया सेकेंड हैंड मार्केट में, जब मैं गया तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट वाई आई वेंट विद द स्पिनी इज बिकॉज ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. जो रेट था इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था. मैंने बहुत सारे मार्केट देखे पुणे में, बहुत बड़े बड़े सेकेंड हैंड कार मार्केट्स हैं. अगर आप स्पिनी के आउटलेट विजिट करोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि आप सेकेंड हैंड कार यूज़ करने, मतलब सेकेंड हैंड कार खरीदने आए हो. वो आपको ट्रीट ऐसे करेंगे, कॉफ़ी देंगे बहुत अच्छे से, आपको 1-to-1 एक यू नो इंटरेक्शन रहता है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो विथ दिस. मैं जब मैं कहाँ एंटर ही किया ना स्पिनी के शोरूम में, इतना अच्छा उनका एक मतलब कस्टमर को ट्रीट करने का जो तरीका था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा था. प्लस जो उनका ऐप है इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे लिटरली मज़ा आ गया भाई. और मैंने फाइनली जो कार की कंडीशन, आप देखो जो गियर शिफ्ट से ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम ऑब्वियसली गियर बॉक्स की आती है, बट मैंने इसको टेस्ट राइड करके देखा और मैं एक बार मैं सेटिस्फाई हो गया कि भाई यही गाड़ी है जो मुझे चाहिए लेना है. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. चलो पॉइंट नंबर 2, कार की कंडीशन जो मुझे स्पिनी में मिली. ऑब्वियसली ये लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे चेक पॉइंट्स के बाद ये लोग कार को बेचते हैं. एक्चुअली वो चीज़ दिखती है जब आप जाओगे ना, तो हल्की फुल्की जो भी आपका कार का रिपोर्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको ऐप में दिख जाएंगी. कहाँ पे डेंटिंग है, कहाँ पे काम हुआ है, वो सारी चीज़ आपको फिर उसके बाद आप डिसाइड करो. बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है स्पिनी में, तो इसीलिए मुझे वो चीज़ और अच्छी लगी. कहाँ पे क्या रिकॉर्ड है, कितने ओनर है, कितना, कोई ओडोमीटर के साथ छेड़खानी नहीं थी, कुछ नहीं था. सो यार, दीज आर द थिंग्स मैन जो मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई की. कार की कंडीशन
ओवरऑल मार्केट से अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक लोकल मार्केट में गया था, मेरे को वहाँ से ट्रीटमेंट ही अच्छा नहीं मिला और उनके पास इतनी अच्छी कंडीशन में नैनो थी भी नहीं। और ये कार ऐसी हो गई है कि भाई इतनी रेयर हो गई है कि अब टाटा नैनो ऑटोमेटिक मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब टाटा नैनो ऑटोमेटिक आई उसके बाद ही ये लास्ट कार थी, उसके बाद लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने ख़रीदा नहीं और उसके बाद ये बंद हो गई। तो ये ऑलरेडी कार इतनी ज़्यादा कम है मार्केट में, जिन लोग ने उस टाइम पे ख़रीद लिया और कार एक लोग एक स्टेटस की तरह यूज़ करते हैं। और टाटा नैनो का जो मार्केटिंग है वो हो गया एक वन ऑफ द चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड, जो कि इसको अफोर्डेबल वर्ड यूज़ करना था जो कि बहुत गलत हो गया। सो ये सारी चीज़ें हैं जो यू नो कार को किल कर दी, बट कार बहुत ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हो आप, सिटी में चलाने के लिए, कंजेस्टेड ट्रैफिक में चलाने के लिए, इट इज़ रियली रियली गुड मैन। हॉर्न वगैरह सारी चीज़ें कार की कंडीशन में को इतनी अच्छी लगी कि मैंने बोला यार अब फाइनली करते हैं इस कार को, ज़्यादा सोचूंगा नहीं। और लेट मी टेल यू गाइस दिस कि अगर आप स्पिनी में कोई कार देखोगे ना, अगर टाटा नैनो आएगी आप देखना तुरंत की तुरंत वो बिक जाती है। आप ये एग्जाम्पल में आप खुद चेक कर सकते हो, डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को चाहिए फोर व्हीलर। अब वो नहीं देख रहे सस्ती कार महंगी कार, बस फोर व्हीलर चाहिए, क्योंकि फोर व्हीलर जो है वो प्रैक्टिकल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सर्दी से बच रहे हो, आप गर्मी से बच रहे हो, आप एसी में बढ़िया गर्मी में बैठ के जा रहे हो, आपको मानसून में आपके ऊपर पानी नहीं गिर रहा है, चार लोग आराम से बैठ के जा सकते हो। सो दीज आर द थिंग जो लोगों ने बाद में रियलाइज़ करी, तब तक ये गाड़ी बंद हो चुकी थी। तो दिस इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल जो रतन टाटा ने अब एक आम आदमी के लिए लाया था, और आम आदमी ने ही इस कार को रिजेक्ट कर दिया, जो कि बहुत ख़राब लगता है सोच के ही। बट कोई बात नहीं, हम इंडियंस को बाद में रियलाइज़ होती है कि वी लॉस्ट सच अ ग्रेट प्रोडक्ट। कोई चीज़ जब मार्केट में रहती है तब हमको उसकी वैल्यू नहीं होती, बट जो चली जाती है तब हमको लगता है कि वी लॉस्ट अ लेजेंड। इसके साथ यही चीज़ हुई। तो कार की कंडीशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैंने ये कार को लिया। फोर्थ पॉइंट जिसको मैं बोलूँगा वो है ट्रांसपेरेंसी एंड इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है। सो इसके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो स्पिनी सब गाड़ी लोग हैं ना, आपको क्लियरली सारा के सारा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिलेगा कि कितने इसके ओनर रह चुके हैं, कार कैसी कंडीशन में, कहाँ पे सर्विस हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल मिलेंगे। सो दिस वॉज समथिंग रियली यू नो जो ट्रस्ट बिल्डअप किया मेरा। तो डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी के मामले में स्पिनी वाले बहुत अच्छे हैं। कोई भी रिपेयर वर्क रहेगा, पेंट वर्क रहेगा, कुछ भी चेंज हुआ है कार में, सो वो चीज़ आपको उनके ऐप में क्लियरली दिख के आ जाएगी, वेबसाइट में क्लियरली दिख के आ जाएगी। अकॉर्डिंगली फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कार आपके लिए है या नहीं, टायर कितने सही है, 70% 80% जो भी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें स्पिनी के ऐप या वेबसाइट में मिलेंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पॉइंट नंबर 5 इज द कस्टमर सर्विस। अभी रिसेंटली एक मैं आपको केस बताना चाहता हूँ क्या हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी थी कार की 3 महीने की। कार में जो वारंटी देते हैं स्पिनी वाले बोलते हैं 12 महीने की देते हैं, मैं थोड़ा हाईवे पकड़ रहा हूँ। सो 3 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी थी और मेरा गाड़ी का अभी क्या हुआ, काम निकला एक छोटा सा, एसी का जो गैस है वो ख़त्म हो गया। पर आपको ऑब्वियसली 1.5-1.5 साल में एसी का जो है वो गैस बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने रात को एक रिक्वेस्ट डाली कि मुझे भाई कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं। सो एक चीज़ जो मैंने डाली रिक्वेस्ट में कि भाई ऐसा सीन है कि मेरा कार का एसी ठंडा होना बंद हो गया है। अगले दिन सुबह मुझे कस्टमर केयर से कॉल आ गया कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है वो जा खत्म हो चुकी है। सो आपको आप चाहे स्पिनी के वर्कशॉप आ सकते हैं एसी का काम करवाने, या फिर आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। तो मेरे घर के आसपास ही में ही एक बहुत अच्छा वर्कशॉप था, तो वहाँ पे मैंने जाके गाड़ी को अपना दिखवाया और उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो सर कार मिली है ना, इसको बेचना मत, आपको इतनी अच्छी कार मिली है कि मतलब ऐसी ऑटोमेटिक नैनो आशी रेट में मिलना बहुत मुश्किल है। ये उस जो बंदा था वो जैगवार और क्या बोलते लैंड रोवर सारी कार्स वहाँ पे रिपेयर कर रहा था, बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा था वो। उसने मेरे को मुझे सारी चीज़ें बोली कि सर इस कार को आप ऐसा कलेक्शन रखो, आपको बलेनो लेना ले लो, बट इस कार को मत बेचना। सो दैट रियली मेड मी सो हैप्पी कि भाई कस्टमर सर्विस ट्रांसपेरेंट है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमसे ही आके सर्विस कराओ या कुछ, उन्होंने बोला 3 महीने की आपकी जो एसी की जो वारंटी है वो खत्म हो चुकी है कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप कहीं लोकल मार्केट में भी जा सकते हो, हमारे पास भी आ सकते हो। बट ही सजेस्टेड मी कि अगर आपके घर से स्पिनी का जो हब है बहुत दूर है सर्विस एरिया, तो आप वहीं पे करवा लो जो आपके घर के पास है। तो बस मैं चला गया। सो कस्टमर सर्विस का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा यू नो सब चीज़ें ओवरऑल देखा जाए तो कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। Now I'll come to the point number 6, which is the after sales service. अब जब मैं टाटा नैनो ले रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किया कि भाई आप टाटा नैनो लेते रहे हो लेकिन आपको इसमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी, कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ये बात सारी चीज़ें। मैंने ये चीज़ आफ्टर सेल सर्विस की बात की है उनसे स्पिनी वालों से, एंड दे सेड कि सर आपको कोई भी पार्ट का रिक्वायरमेंट हो, वो भी बाहर से ही ऑर्डर करते हैं ऑब्वियसली, सो दे सेड कि हमको 8-10 दिन का टाइम चाहिए है, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा पार्ट तो हम ऑर्डर करेंगे, बट आपको वो पार्ट हम जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम आपको दिलाएंगे।
सो अगेन अ वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी फैक्टर आफ्टर सेल सर्विस में ये चीज इंक्लूड होती है। यही चीज अगर आप बाहर से करोगे आफ्टर सेल सर्विस में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी कार में, उसमें ये चीज हो जाएगी कि भैया हमने आपको गाड़ी दे दी, अब आप अपना देखो जो करना है करो। वो लिटरली जो लोकल मार्केट वाले ना वो नहीं करते, बिल्कुल सोचते नहीं है। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ पॉइंट जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है स्पिनी का, वो ये है कि अगर आपको कोई गाड़ी टेस्ट राइड करनी है, स्पिनी वालों आपके दो ऑप्शन देते हैं। या तो आप उनके हब चले जाओ जहाँ पे पार्किंग है उनकी, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां रहती है ऑलरेडी, सो उनका ये ऑप्शन है कि या तो वो आपके घर ले आएंगे टेस्ट राइड कराने के लिए, या तो आप खुद चले जाओ, कार लिटरली आपके घर लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेस्ट राइड करके देखो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप गाड़ी बुक करो, आपको जैसा ठीक लगे करो। सो अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी फ्रॉम स्पिनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग मैन, जो आपको बाहर के मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, विच इज द रिटर्न पॉलिसी। दिस इज द 8th पॉइंट, रिटर्न पॉलिसी ऑफ स्पिनी। अब स्पिनी वाले क्या बोलते हैं, देखो वो बोलते हैं, उन्होंने मुझे भी बोला था कि आप गाड़ी को 5 दिन चला के देखो और 300 किलोमीटर 5 days या फिर 300 किलोमीटर आप गाड़ी को चला के देखो, अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है आप स्ट्रेट अवे 100% रिफंड के लिए एलिजिबल हो और हम आपसे कुछ भी पैसा डिडक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये गाड़ी मैंने 170,000 की खरीदी, सो 5 दिन और 300 किलोमीटर मजाक नहीं होते हैं भाई, ये रिटर्न पॉलिसी है जो स्पिनी वाले देते हैं। अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आई, जस्ट रिटर्न द कार 300 किलोमीटर्स एंड 5 डेज। वेरी वेरी कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप गाड़ी को रिफंड रिटर्न कर सकते हो, आपका पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द 9th पॉइंट इज कि क्या आपको EMI ऑप्शंस अवेलेबल है स्पिनी में। भाई डेफिनेटली आपको स्पिनी में एक डाउन पेमेंट वाला ऑप्शन है, लोन का ऑप्शन है, फाइनेंस का ऑप्शन है, वो सारी चीजें करवा के देते हैं। डिपेंड्स ऑन योर सिविल स्कोर, जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से आपको लोन वगैरह वो लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गाइस पॉइंट नंबर 10 विच इज प्राइसिंग एंड द वैल्यू, और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ी सी गंदी है क्योंकि बारिश हो रही है, अभी भी इनफैक्ट बारिश हो रही है। सो द प्राइसिंग एंड द वैल्यू प्रोपोर्शन डिपेंड्स ऑन यू। सी अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बोली, दीज ऑल थिंग्स कम्स विद अ कॉस्ट। टाटा नैनो को अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी सी मुझे बोलोगे आप महंगी मिली है या मे बी नहीं मिली है। 170,000 रुपये अगर मैं दे रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, मेरे को इन रिटर्न में उसके वो चीज़ें मिली है, जो कस्टमर वैल्यू है, जो यू नो वारंटी पीरियड है, 1 साल का वारंटी पीरियड है, 5 दिन की रिटर्न पॉलिसी, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें और कोई कंपनी आपको नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड होती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है। तो जो कार स्पिनी में है वो थोड़ी डेफिनेटली महंगी है, बट वो सारी चीज़ें आप अगर ओवरऑल पैकेज देखोगे ना तो आपको फिर महंगी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ मुझे बोलनी थी कि स्पिनी में गाड़ियाँ थोड़ी भली महंगी है बट आपको एक वैल्यू मिल रही है उनके साथ। नाउ टिप नंबर 11 कि आपको अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, स्पिनी या फिर लोकल मार्केट। सी आपका पैसा है, आपको पूरा मार्केट छानना आपका काम है। अगर आप नहीं देखोगे तो आप आपके पैसों के साथ गलती करोगे। आपको ऑफलाइन लोकल मार्केट्स में भी बहुत अच्छा डील मिल सकता है, आपको स्पिनी में भी बहुत अच्छा डील मिल सकता है। 3 से 4 महीने अच्छी खासी रिसर्च करो, उसके बाद आप डिसाइड करो आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। मेरे को जो गाड़ी मिली है मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इससे। मे बी आई विल सेल इट, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली नैनो बहुत टाइम तक चला नहीं सकता, अपग्रेड करूँगा। लोगों की बातों पर मत जाओ, यूट्यूब वीडियोज मत देखो, आपको क्या पसंद आता है वो आप, हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो बस एक यूट्यूब में देख के अपना मन मत बनाओ, स्पिनी के हब जाओ, लोकल मार्केट में सेकंड हैंड के मार्केट जाओ, हर जगह गाड़ी चला के देखो आपको क्या पसंद आता है वो आप। तो मेरा बस यही कहना है कि गाड़ी आपको लेनी है, पैसा आपका लगने वाला है, इसलिए पूरा मार्केट रिसर्च करना भी आपका काम है। सो अच्छे प्रोडक्ट के लिए टाइम दो, 2 से 3 महीना आराम से रिसर्च करो। अर्जेंट बेसिस पे कार लोगे तो गलत डील ले सकते हो, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में होता है अक्सर ऐसा कि अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी लोगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 12 इज ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद स्पिनी। सो गाइस सी, अभी तक आपको मेरे बातों से एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ स्पिनी के इस पूरे सर्विस से, इस अपनी पूरी टाटा नैनो से एक्चुअली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का ऐसा कोई पर्पस नहीं कि आप स्पिनी से ही गाड़ी लो, आपको जहां अच्छी डील मिलेगा इस वहां से गाड़ी लो। बस मेरा ये काम था बताना कि मेरा स्पिनी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके एक बार स्पिनी देखो अगर आपकी सिटी में है तो। धीरे धीरे बढ़ रहा है, अलग अलग सिटीज में आ रहा है। पहले आप ऐप डाउनलोड करो इसका, फिर उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आपकी सिटी में स्पिनी है या नहीं है जो भी चीजें। और सेटिस्फेक्शन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने गाड़ी खरीदी तो पूरा जो पेपर वर्क ट्रांसफर का काम है सारी चीजों का हैंड स्पिनी ने रखा, मुझे एक फास्टैग दिया विद 500 रुपए का रिचार्ज एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आप
आपको हर जगह इतने इजीली अवेलेबल नहीं होगी, आपको अंडर द वन रूफ सारी सर्विस मिल रही है. सो वेरी वेरी सेटिस्फाइड ओवरऑल विद स्पिनी. नाउ पॉइंट 13 इज कंपैरिजन विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. सी जैसा मैंने अभी तक आपको पूरे वीडियो में मेरे बताया कि भाई मैं ऑफलाइन मार्केट भी गया था, पुणे में हड़प्सर साइड गया था, मगरपट्टा जहाँ से मैंने मेरी हार्ले डेविडसन खरीदी है, वहाँ पे भी मैंने बहुत चीज़ें देखी. बट स्पिनी के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जब मैं वहाँ पे गया ना भाई, कोई जजमेंट नहीं था. लिटरली मैं एक लोकल मार्केट में गया, वहाँ पे बहुत सारी सेकंड हैंड कार खड़ी हुई थी, मैं सिलेरियो और ये सबका प्राइस पूछ रहा था. बट दैट गाय जो मेरे को ट्रीट कर रहा था ना वहाँ पे, वो इतना डिससेटिस्फाइंग था, इतना ज्यादा यू नो डिसअपॉइंटिंग था कि लिटरली मैंने वहाँ पे मन बना ली कि गाड़ी अगर पसंद ही मेरे को यहाँ पे कोई आती तो मैं इससे गाड़ी नहीं लूंगा. सो एक प्लेटफॉर्म का बहुत फर्क पड़ता है. एक आप जब जाते हो ना, आपको कोई जज नहीं करेगा कि भाई ये कौन आ गया गाड़ी लेने. यूजुअली ऐसा होता है. मेरा कोई प्लान नहीं था इस कार को लेने का. लिटरली मैं क्लोजिंग के टाइम रात को 8 बजे गाड़ी उठाई है मैंने, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि गाड़ी उठा लो, आज का दिन अच्छा है. मैंने तुरंत वहां पे पेमेंट करी और तुरंत गाड़ी उठा ली, और जो पूरा ओवरऑल जो स्टाफ था तुरंत गाड़ी को उन्होंने PDI करके रेडी कर दिया. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं स्पिनी में. यही अगर मैं कोई और प्लेटफॉर्म से लेता, कोई लोकल मार्केट से, तो वो लिटरली ऐसा करते कि भैया आप कल आ जाना, आप कल गाड़ी पिकअप कर लेना. बट ये गाड़ी मैंने रात को 9:30 बजे गैरेज से 10 बजे निकाली है स्पिनी के हब से. और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर पाई क्योंकि स्पिनी का जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा था. और ये पूरा जो मैं बात कर रहा हूँ स्पिनी हब हिंजेवाड़ी पुणे की बात कर रहा हूँ. सो गाइज ये था पूरा वीडियो मेरा स्पिनी का एक रिव्यू देने का, कि मेरा अभी तक स्पिनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है. 6 महीने से जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस वीडियो में मैंने पूरा बताया. एक गाड़ी को मैं बहुत मुंबई पुणे लेके गया हूँ, आसपास पुणे में बहुत घूमा हूँ. सो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आप बताना आप क्या सोचते हो. मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक कोई भी गाड़ी लेने का प्लान किया था वो कौन सी कार है, आपको कौन सी कार अच्छी लगती है. डेफिनेटली मुझे ये चीज़ बताना. चलो वीडियो करूंगा खत्म. इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना. आपको कोई भी डाउट हो स्पिनी से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड, फ्लाइट वगैरह, ट्रैवल वगैरह, इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली आपको मैसेज कर दूंगा. और अगर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है तो प्लीज टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करो, जहाँ पे मैं दिन भर लूट ऑफर्स डालता रहता हूँ. ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना तो बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे. मिलता हूँ ऐसी मस्त कॉन्टेंट के साथ. जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा वो इस ओवरऑल नैनो का रहेगा कि 2024 में क्या आपको एक नैनो लेनी चाहिए. नेक्स्ट वीडियो उसका है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वो वीडियो देखने को मिले. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. ये देखो एग्जैक्टली मैं इसी चीज की बात कर रहा था. अभी बारिश हो रही है, सारे टू व्हीलर्स वाले साइड हो चुके हैं बेचारे, अपना कोई छांव लेके बैठे हैं ताकि वो बारिश में भीग ना जाए. और मैं इस 1 लाख की गाड़ी में कंफर्टेबली जा रहा हूँ, बढ़िया AC में रेडियो सुनते, गाने सुनते हुए, पॉडकास्ट सुनते हुए. सो दिस इज वॉट रतन टाटा वॉन्टेड. और यहीं से उनको एक ख्याल आया था कि एक टाटा नैनो निकाली जाए आम आदमी के लिए, और आम आदमी ने ही इसकी इज्जत नहीं करी. मैं बता रहा हूँ आप कार आएंगी जाएंगी, बट आज की डेट में जो इन्फ्लेशन हो चुका है, टाटा नैनो जैसी सस्ती कार, ऐसा प्रोडक्ट कभी ज़िंदगी में अब पूरे इंडिया में नहीं आने वाला. और जिनके पास है ये गाड़ी, प्लीज़ बी प्राउड टू ओन दिस ब्यूटी. और आपने एक ऐसी चीज संभाल के रखी है जो अब दुनिया में कभी आने नहीं वाली. 1 लाख रुपए में कभी आपको ऐसी 4 व्हीलर कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती.